पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा पिछले दिनों दिए गए हेही वंशी समाज के भगवान शस्त्रबाहु पर की गई टिप्पणी के बाद समाज में रोष व्याप्त है। इसने पूरे हेही वंशी समाज को आंदोलित कर दिया है और अब वे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने बयान पर माफी मांगने की मांग की है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हेही वंशी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नारायण ताम्रकार ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को अमर्यादित बताते हुए कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सहस्त्रबाहु भगवान के बारे में जो भी कहा है उसके लिए उनको माफी मांगना होगी, नहीं तो पूरे देश में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। देखिए हेही वंश का गौरवशाली इतिहास हमारे धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है और भगवान श्री राजराजेश्वर के विषय में जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उल्लेख किया है वे अत्यंत निंदनीय हैं। अत्यंत घोर शब्दों में मैं उसकी निंदा करता हूँ। उनको भगवान श्री राजराजेश्वर के संबंध में मैं समझता हूँ जानकारी नहीं है। भगवान श्री राजराजेश्वर की नगरी मध्य प्रदेश के महिषासुर नगरी से संबंधित रही है। उनका अपना एक इतिहास है। वे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतारी हैं। उन्हें अनेक अवतारी होने के साथ साथ उन्हें हमारा आराध्य मानते हैं। ताम्रकार समाज, कसेरा समाज, छटेरा समाज, कलार समाज, कलचुरी राय समाज, इसके अलावा खत्री समाज के वे आराध्य देव हैं। हम सभी उनकी पूजन याचना करते हैं, उनके लिए प्रातः घी का दीपक लगाते हैं। यदि उनके लिए ऐसे भाव पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हैं तो वे अत्यंत निंदनीय हैं। उन्हें जानकारी नहीं है कि राजराजेश्वर शस्त्र अर्जुन ने अनेक युद्ध लड़े हैं। इन युद्धों में उन्हें हमेशा हमेशा जीत मिली है और उनके युद्ध रावण से भी हुआ। उसको रावण को पराजय किया, रावण को बांध लिया था और फिर दत्तात्रेय गुरु के कहने से उन्हें छोड़ा है। उनका पराक्रम तो हमारे कई पुराणों में दर्ज है। इनके द्वारा जो भगवान श्री राजराजेश्वर के संबंध में अशोभनीय शब्द, दलित शब्दों का उल्लेख किया है वे अत्यंत निंदनीय हैं। पूरा समाज इससे आक्रोशित है। पूरे देश भर में इनके खिलाफ एक आंदोलन की हमारी तैयारी चल रही है। हमने कल इन्हें चेतावनी दी थी कि वे माफी मांग लें, अन्यथा पूरे देश में उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इसकी प्रक्रिया हेही वंशी समाज ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने समाज का इतिहास याद दिलाया और बताया कि सहस्त्रबाहु भगवान ने रावण को पराजित किया था व 6 माह रावण को बांध कर रखा था। वहीं सहस्त्रबाहु भगवान की उत्पत्ति विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से हुई है। ऐसे आराध्य पर अनर्गल टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, सीहोर।